मुरादाबाद के कोतवाली ठाकुर द्वारा इलाके के कॉलोनी नंबर वार्ड 10 में उस समय हड़कंप मच गया जब सुबह सुबह लोगों ने कॉलोनी के आखिर में बने रईस के मकान से शोर शराबे की आवाज सुनी। आज पड़ोसी जब रईस के घर में पहुंचे तो देखा कि रईस के साथ ही उसकी माँ घर में घायल हालत में पड़े हैं। एक तेंदुआ उन्हें हमला कर घायल कर रहा है। इस पर लोगों ने इकट्ठा होकर लाठी डंडों से पीट पीट कर तेंदुए को अधमरा कर माँ बेटे को बचाया और घायल तेंदुओं को रस्सी से बांधकर वन विभाग को सूचना दी। सूचना पर पुलिस व वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रस्सी से जकड़े अधमरे तेंदुओं के इलाज के लिए वन विभाग की टीम अपने साथ ले गई। घायल माँ बेटे को पुलिस इलाज के लिए ठाकुर द्वारा ले गई। कॉलोनी में दहशत का माहौल है। मुरादाबाद की कोतवाली ठाकुर द्वारा का बॉर्डर उत्तराखंड के रामनगर में स्थित जिम कॉर्बेट पार्क की सीमा से मिला हुआ है। जिम कॉर्बेट पार्क में मांसाहारी जानवर खाने की तलाश में मुरादाबाद के बॉर्डर में अक्सर दाखिल होकर लोगों को सामना होने पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से यहां अक्सर तेंदुओं के हमले का आतंक बना रहता है। आज भी तेंदुआ रईस के मकान के अंदर एक कमरे में जहां कबाड़ भरा हुआ था वहां चुपकर बैठ गया। अचानक आहट होने पर जब रईस उस कमरे में झांकने गया तो तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। रईस की आवाज सुनकर रईस की माँ रुखसाना ने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। तेंदुए ने मां बेटे को गंभीर रूप से घायल कर दिया। शोर शराबा सुनकर आज पड़ोसी मौके पर पहुंचे और लाठी डंडों से पीट पीट कर तेंदुए को अधमरा कर बांध दिया। घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग व पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। घायल तेंदुए को वन विभाग की टीम ठाकुर द्वारा के वन चिकित्सालय ले गई। वहां तेंदुए का इलाज किया जा रहा है। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे बरेली जिला पशु चिकित्सालय भेजा जाएगा। तेंदुए पर हमला करने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कार्यवाही की जाएगी। घायल रईस व उसकी मां रुखसाना को पुलिस ने ठाकुर द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है, जहां महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है। ये वार्ड नंबर 7 में तेंदुए का बच्चा घुसाया था, उसने दो लोगों को घायल कर दिया था। उसमें आपसी द्वंद में वो उसको भी चोट आ गई है तेंदुए को। उसको इस समय हम पशु चिकित्सालय में लेके आए हैं। यहाँ अगर देखते क्या ट्रीटमेंट मिलता है, फिर बड़े IVRI में ले जाएंगे। सर, ठाकुर द्वारा में लगातार तेंदुओं का आतंक बरकरार है, क्या वजह है कि तेंदुए नहीं पकड़े जाते यहाँ से? ये अब तेंदुए पकड़ने के लिए तो अचानक तेंदुओं की संख्या इतनी ज़्यादा है, जंगल का माहौल है, तो तेंदुए पकड़ने का तो कोई आदेश ऐसा है बहुत सरकारी बहुत टफ आदेश है, ऐसे पकड़े भी नहीं जाते हैं। अब तो लोगों को उनके साथ रहना ही पड़ेगा, जैसे पहाढ़ में लोग रहते हैं तेंदुओं के, उनके साथ उसी ढंग से रहना पड़ेगा। अब तक कितने लोग घायल कर दिए इसने? इसने कहा तो दो लोग घायल हुए हैं, उनको ले गए हैं अस्पताल में भर्ती करा दिया है। क्या स्थिति, उसे पीटा गया है तो किस तरह की? अभी तो सही लग रही है इसकी स्थिति। क्या कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ? कार्रवाई की जाएगी जिनने पीटा है।